दोस्त, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बंद मोबाइल में एम लिखने के बाद यहां पे मौज ऐप खुल जाएगा, जिसे यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। जिसे यहां पे देखिए, एम लिखता हूं मोबाइल स्क्रीन ऑफ करके, तो यहां पे देखिए मौज ऐप खुल जाएगा। देखिए यहां पे मौज ऐप खुल गया है। यहां पे इस तरह का सेटिंग आप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मौज ऐप खुल गया है, इस तरह से आप भी सेटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पे मौज ऐप खुल गया, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। और ये देखिए दो मोबाइल में होगा, एक रियलमी और एक ओप्पो का। देखिए ये तो रियलमी का, ये ओप्पो का मोबाइल है और रियलमी का भी रहेगा तो हो जाएगा। और दूसरा मोबाइल में अभी नहीं देखे हैं करके, ये रियलमी और ओप्पो में फिक्स है कि ये सेटिंग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो ओप्पो का पहले सेट था वही बदल के रियलमी किया गया था, तब जाके ये रियलमी अभी फ़ोन आया है। तो इसमें मैं बताता हूँ कि एम लिखने बाद मौज ऐप कैसे खुलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे मैं सेटिंग में चले जाता हूँ, और सेटिंग अगर रियलमी और ओप्पो का मोबाइल है तो आपको सेटिंग सेम देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं सेटिंग में आया, और सेटिंग में नीचे आने, यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कोविनेंसी टूल्स। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कोविनेंसी टूल्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कोविनेंसी टूल्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे देख पा रहेंगे गेस्टोरेज एंड मोटिन्स, इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। गेस्टोरेज एंड मोटिन्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में देख पा रहे होंगे, ऊपर में स्क्रीन ऑफ गेस्टोरेज, स्क्रीन ऑफ गेस्टोरेज का ऑप्शन है ऊपर में। तो यहाँ पे साफ़ कर देता हूँ स्क्रीन ऑफ स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे, पहले तो यहाँ पे देखिए ये ढेर सारे ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम के, यहाँ पे लिखा रहेगा ड्रॉप एम, तो उस पर क्लिक कर देना। नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पर एड गेस्टर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस पर आपको क्लिक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम से, एम से मिल जाएगा। और मेरे में देखिए यहाँ पे सेट कर दिया हूँ मौज, इसलिए यहाँ पे नीचे में आ गया। पहले यहाँ पे देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद देखिए अब एम का एम जो है यहाँ पर दिखेगा। इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पर एम देख पाएंगे ड्रॉप एम, तो यहाँ पर एम से जो भी देना चाहते हैं इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉल भी लगा सकते हैं किसी का, और ऐप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट एन ऐप यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी आपका मोबाइल में ऐप है एप्लीकेशन सारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर कौन सा ऐप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे एम से मौज होता है, तो एम से यहाँ पे हम मौज दे देता हूँ, ताकि मोबाइल स्क्रीन ऑफ करके अगर हम यहाँ पे एम लिखेंगे तो मौज ऐप वहाँ से खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे मौज ऐप है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बैक आता हूँ। अब मोबाइल स्क्रीन ऑफ करके यहाँ पे फिर से देखिए एम लिख के आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एम लिखा है, यहाँ पर देखिए मौज ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड दे देने के बाद देखिए यहाँ पर मौज ऐप खुल जाता है। चलिए अगर वीडियो समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर समझ गए होंगे और भी लोगों के पास शेयर करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो हम बना चुके हैं, यहाँ पे एंड स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ये वीडियो चला के आप देख सकते हैं, उसमें सारा चीज़ बताया है कि एम से और भी मतलब बहुत सारा सेटिंग है, दो उंगली खींचने के बाद गाना कैसे बजे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।